हे गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए या दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते टाइम आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं दिल्ली मेट्रो में कैसे ट्रैवल करते हैं पूरा कंप्लीट गाइड लेके आया हूँ। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि सोर्स मेट्रो स्टेशन और डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन का पता करना। अगर आपको पता है कि कौन से मेट्रो स्टेशन से कौन से मेट्रो स्टेशन जाना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो गूगल मैप खोल लो आप। उसके बाद जैसे कि मान लो आपको इंडिया गेट जाना है तो वहाँ पर इंडिया गेट सर्च करो। उसके बाद जैसे इंडिया गेट खुल के आएगा वहाँ पे जूम इन जूम आउट करोगे ना तो आसपास आपको इस तरह का रेड कलर का लोगो दिखेगा, ये मेट्रो स्टेशन का लोगो होता है। और ज्यादातर टाइम आपको रेड कलर का जो लोगो है ना मेट्रो स्टेशन का वहीं पे नाम लिखा रहता है, नहीं तो अगर नहीं लिखा है तो उस पर टाइप करोगे तो लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इंडिया गेट के पास जो नजदीकी मेट्रो स्टेशन है जो रेड कलर का लोगो दिख रहा है वो दो दिख रहा है, एक मंडी हाउस का दिख रहा है एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दिख रहा है जो कि राष्ट्रीय सचिवालय हिंदी में कहते हैं उसको। तो आपको दोनों में से कोई चूज करना है। तो ये हो गया डेस्टिनेशन का। बाकी सोर्स का भी वैसे ही आप पता कर सकते हो जैसे आपने इंडिया गेट का पता किया था, जहां पे रहते हो उसका गूगल मैप पे सर्च करो नाम, उसके बाद जूम इन जूम आउट करके रेड कलर का लोगो दिखो, वहीं मेट्रो स्टेशन का लोगो होता है। नहीं तो आप अपना माई लोकेशन ऑन करके भी आसपास जूम इन जूम आउट करके रेड कलर का लोगो या मेट्रो स्टेशन देख सकते हो। तो ये हो गया पता करना सोर्स और डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन का। अच्छा, जैसे ही पता चले आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का या फिर आपको पहले से पता है, उसके बाद आप क्या करो ना, गूगल प्ले स्टोर खोलो। अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल का प्ले स्टोर खोलो, वहां पे जाके दिल्ली मेट्रो का ये वाली ऐप डाउनलोड करो। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको खोलो, खोलने के बाद आपको इस तरह से इसका लेआउट दिखेगा कुछ स्क्रीन, होम स्क्रीन। उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको रूट करके ऑप्शन होगा, उस पर टैप करो। उसके बाद वहां पे जैसे ही टैप करोगे ना ये पेज खुल के आएगा। उसके बाद आपको सोर्स और डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन का टाइप करने को पूछेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सपोज करता हूँ कि मेरे को लक्ष्मी नगर से मंडी हाउस जाना है या फिर लक्ष्मी नगर से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लक्ष्मी नगर सोर्स में, तो लक्ष्मी भी मैं टाइप करूँगा ना तो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में ये सजेशन आ जाएगा। तो यहीं पर टाइप करो आप, ये लक्ष्मी नगर हो गया। उसके बाद मंडी हाउस टाइप करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ मंडी, उसके बाद यहाँ पे मंडी हाउस ऑटोमेटिक आ गया, मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट रूट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रूट बन के आ गया। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि चार स्टेशन बाद मंडी हाउस पड़ेगा और जो टिकट का पैसा है वो 20 रुपया है। अच्छा, अब वापस से आते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी चेक कर लेते हैं वो कितना स्टेशन बाद पड़ रहा है और कितने पैसे लग रहे हैं उसमें वहाँ तक जाने में। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली 6 स्टेशन बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पड़ रहा है, जो कि इंडिया गेट से ये भी पास है जितना पास मंडी हाउस था, और टिकट का पैसा भी 10 रुपये ज़्यादा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे क्लियर हो गया इस ऐप के थ्रू कि मेरे को मंडी हाउस उतना, पास तो दोनों है इंडिया गेट के बट मंडी हाउस ज़्यादा पास है अगर मेट्रो की बात करें तो, क्योंकि ये 4 स्टेशन बाद है और टिकट का पैसा भी कम लग रहा है। अब वहीं पे उतर जाएंगे तो पास ही इंडिया गेट है, ऑटो पकड़ के 20-30 रुपये लेके इंडिया गेट जा सकते हैं हम। अच्छा, सोर्स और डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन का पता लगने के बाद आपको क्या करना है कि नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सोर्स मेट्रो स्टेशन पहुंच जाना है, जहां से आपको जाना है। वहां पे जाओगे तो आपको टिकट काउंटर यहां पे देखने को मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं आपको इस तरह से टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगा किसी भी मेट्रो स्टेशन पे। तो वहां पे जाओगे तो जो भी एजेंट या फिर सर बैठे रहेंगे उनसे आपको टिकट मांगना है या फिर टोकन मांगना है, तो आपको वो टोकन देंगे। आपको क्या कहना है कि सर मेरे को मंडी हाउस का एक टिकट दे दो, या फिर बोलो अगर आप दो लोग हो तो सर मंडी हाउस का दो टोकन दे दो। टिकट लेने के बाद आपको जस्ट तुरंत आपको सिक्योरिटी लाइन देखने मिलेगा किसी भी मेट्रो स्टेशन पे, तो आपको यहाँ पे जो भी बैगेज स्कैन के लिए दे देना है। उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप जो बॉडी स्कैन करते हैं, आपको इधर से जाना है लाइन लगा के, जो भी मेट्रो स्टेशन है लगभग सेम फॉर्मेट होता है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको इस तरह से एंट्री और एग्जिट गेट्स मिलेंगे। यहाँ पे ये देखो एग्जिट गेट्स है और ये देखो एंट्री गेट्स है। उसके बाद जो यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन होगा ना, यहाँ पे आपको अपना जो टोकन मिला है वहीं टोकन लगाना है, और टोकन लगाते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पे स्क्रीन है ना उस स्क्रीन से पीछे खड़े होकर ही टोकन लगाएं। जैसे कि ये अंकल वहाँ पे स्क्रीन के आगे खड़े होकर टोकन लगा रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। आपको हमेशा मेट्रो कार्ड हो या टोकन हो हमेशा पीछे खड़े रहकर वहाँ पे लगाना है स्कैन के लिए। तो जैसे ही स्कैन लगाओगे वहाँ पे ये आपका गेट खुलेगा, गेट खुलने के बाद आपको अंदर जाना है, आप प्लेटफॉर्म की तरफ आप जा सकते हो। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले एक और बात बता दूं आपको, अगर आप टोकन या टिकट से सफर कर रहे हो जो कि आपको हमेशा काउंटर से लेना पड़ेगा, तो कभी कभी क्या होगा ना कि आपको इतना लंबा भीड़ का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब लाइन में लगना पड़ेगा। आपको हो सकता है 20 मिनट लगे, आधा आधा घंटा लगता है भाई, फेस्टिवल के टाइम एक एक घंटा लग जाता है टिकट लेने में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना भीड़ है भाई, देख लो आप। तो भाई यहाँ पे आपको बेनिफिट लेके आता है मेट्रो कार्ड। अच्छा, मेट्रो कार्ड जो कि इस तरह से दिखता है। आपको क्या करना है ना कि जैसे ही अंदर जाओगे एंट्री गेट से पहले आपको इधर कहीं भी जो सिक्योरिटी पॉइंट है ना उसके बाद और एंट्री गेट के पहले आपको कहीं ना कहीं कस्टमर यहाँ पे जो है ना कस्टमर केयर सेंटर आपको देखने को मिलेगा हर मेट्रो स्टेशन पे। तो वहाँ पे जाना है, जो भी एजेंट बैठे रहेंगे उनसे बोलना है कि सर मेरे को एक मेट्रो कार्ड दे दो। उसके लिए कोई भी आईडी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, तो वो आपको एक मेट्रो कार्ड देने से पहले पूछेंगे कितना रिचार्ज कराना है आप, 200 300 जो भी रिचार्ज कराना है मेट्रो कार्ड में पैसा डलवा लो, ठीक है, इनिशियली। बाद में
में आप अमेजन पे से भी रिचार्ज करा सकते हो, कर सकते हो खुद से, और जो भी आप 200-250 का रिचार्ज करा रहे हो वो आपके मेट्रो कार्ड में पैसा रहेगा। उसके बाद आपको इस तरह से मेट्रो कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि आगे का लुक है और पीछे का लुक। उसके बाद मेट्रो कार्ड लेके वहीं स्कैन करना है पीछे खड़े होकर लाइन से, जो स्कैनिंग स्क्रीन है ना मेट्रो कार्ड का, उसे पीछे खड़ा होकर यहीं सेम जो टोकन मैंने बताया था ना वैसे ही मेट्रो कार्ड को यूज करके वहाँ पे एंट्री गेट पे लगाना है, वो गेट खुलेगा, आप अंदर जाओ। अच्छा, अब ये हो गया, आप एंट्री गेट से अंदर आ गए, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। अच्छा, एंट्री गेट से अंदर जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि उस प्लेटफॉर्म पे जाना है जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मंडी हाउस के लिए ट्रेन मिलेगी, या फिर जहाँ भी आपको जाना है उस ऐप के थ्रू आपको बता देगा। जैसे कि यहाँ पे बताया ना कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो कि द्वारका की तरफ ट्रेन जाती है वहीं पे आपको जाना है, वहीं पे मंडी हाउस के लिए मिलेगी मेट्रो। तो भाई जैसे ही अंदर जाओगे ना तो आपको इस तरह से ऊपर बोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें कि एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आपको एरो दिखाएगा और उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर लिख के आएगा, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म नंबर पे किधर को ट्रेन जा रही है वो लिख के आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऊपर को है और वहाँ पे जो ट्रेन आ रही है वो द्वारका सेक्टर 21 के लिए जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो टूवर्ड्स द्वारका सेक्टर 21, कई बार फॉर्मेट चेंज होता है लेकिन मतलब ये होता है, एरो का मतलब आपको उधर जाना है, नॉर्मल कॉमन सा सेंस है, नंबर लिखा रहेगा वो प्लेटफॉर्म नंबर होता है और जो इंग्लिश में लिखा या हिंदी में जो भी लिखा रहेगा ना वो प्लेटफॉर्म पे किधर को वो ट्रेन जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है ना टूवर्ड्स वैशाली प्लेटफॉर्म नंबर 1, मतलब इधर से जाओ या इधर से जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पड़ेगा जो कि वैशाली के लिए जाएगी वहाँ पे जो भी मेट्रो आएगा। तो और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जाओगे तो भाई आपको ऐसे इस तरह से लिख के आएगा कि मतलब इधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, इधर 3 है, इधर जो भी प्लेटफॉर्म पे 4 पे ट्रेन आएगी वो कश्मीरी गेट की तरफ जाएगी और इधर राजा नहर सिंह की तरफ जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हो, ये देखो टूवर्ड्स राजा नहर सिंह या फिर बल्लभगढ़ या फिर टूवर्ड्स कश्मीरी गेट की तरफ जो भी ट्रेन जाएगी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, ये 1 है। तो इस तरह से लिख के आपको बोर्ड पे दिया रहेगा वहाँ पे किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाओगे तो। अच्छा, कहीं कहीं इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे कि ये इधर जाओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पड़ेगा और टूवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर वैशाली, मतलब या इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए भी ट्रेन मिलेगी, मेट्रो मिलेगी और वैशाली के लिए भी मिलेगी, ये देखो इस तरह से। तो आपको पता कौन करना है, अलग अलग ट्रेन अल्टरनेटिवली जाती है, मतलब एक जाएगी वैशाली के लिए तो फिर दूसरी आएगी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए, फिर उसके बाद आएगी वैशाली के लिए, फिर उसके बाद आएगी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए। तो इस तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पे दो दो जगह के लिए ट्रेन मेट्रो चलती रहती है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है वैशाली और ये जो टाइम है ना ये 2 मिनट में वैशाली आ रही है, तो इसका मतलब अभी जो ट्रेन आएगी वो वैशाली के लिए आएगी। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे एंट्री गेट से प्लेटफॉर्म पे तो वहीं पे लिख देगा कि इधर येलो लाइन जा रही है, मतलब हुडा सिटी सेंटर की तरफ जा रही है या फिर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जा रही है, तो पूरा वहाँ पे लिखा रहेगा। तो आपको पढ़ पढ़ के जाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे नीचे जाओगे तो येलो लाइन की तरफ ट्रेन जाती है मेट्रो, और इधर देखो एग्जिट गेट नंबर 7 और 8 है, इधर से एग्जिट होना है इधर जाओगे तो, और इधर जाओगे ना तो 5 और 6 गेट नंबर एग्जिट है, तो इधर जाना है आपको एग्जिट होना है और नीचे जाना है तो येलो लाइन, और उसके बाद इधर देखोगे ना तो ये देखो हुडा सिटी सेंटर की तरफ इधर है, और यहाँ पे जो है ना ये देखो ये समायपुर बादली की ओर इधर है, तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है 2 है, तो मतलब इधर जाओगे तो समायपुर बादली की तरफ ट्रेन मिलेगी और नीचे जाके इधर लेफ्ट जाओगे तो आपको हुडा सिटी सेंटर की तरफ मेट्रो मिलेगी। तो इस तरह से आप ऊपर पूरा बोर्ड लिखा रहता है हर जगह, आप पढ़ के समझ सकते हो, बाकी ऐप में बता देता है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर जाना है और वो प्लेटफॉर्म पर किधर को ट्रेन आ रही है, दोनों से आप कन्फर्म कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, एंट्री गेट से डायरेक्ट अंदर जाना है और बाकी आपको चारों तरफ भाई बोर्ड ही बोर्ड होंगे, सब लिखा रहेगा आपको और एरो बना रहेगा किधर को जाना है, और बाकी ऐप में आपको बता ही देता है कि आपको किधर को जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, उस पे जाओगे तो आपको किधर को ट्रेन जाती है वो पूरा लिखा रहेगा ऐप में ही, उसके बाद बोर्ड में लिखा रहता है उसी को फॉलो करके आपको प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाना है। अच्छा, जैसे ही प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना तो आपको प्लेटफॉर्म पर कहीं भी इधर इस तरह का या फिर किसी और फॉर्मेट में आपको इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना टूवर्ड्स द्वारका सेक्टर 21, तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो जैसे मैं लक्ष्मी नगर से जा रहा हूँ ना तो ये रहा लक्ष्मी नगर, उसके बाद यमुना बैंक जाएगा, फिर इंद्रप्रस्थ, फिर ये रहा मंडी हाउस, तो यहाँ पे भी मंडी हाउस आपको डायरेक्टेड है, मतलब लिखा रहेगा, तो यहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये जो रूट है ना यहाँ पे कहीं मंडी हाउस या फिर जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो है कि नहीं लिस्ट में। उसके बाद जिस भी मेट्रो स्टेशन पे जाओगे ना अगर अंडरग्राउंड है तो इस तरह से लिखा रहता है नाम, जैसे कि ये जनपद है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पे आपको दीवार पे लिखा रहेगा जनपद मेट्रो स्टेशन, ये देखो इस तरह से। अगर आप अंडरग्राउंड नहीं हो तो आपको इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट है और इधर ये मंडी हाउस है, मतलब इधर को मंडी हाउस है, और ये इंद्रप्रस्थ है, मतलब इधर को इंद्रप्रस्थ है, और ये बड़ा वाला है, मतलब ये जो जहाँ खड़े हो आप ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप मेट्रो के अंदर जाओगे ना तो आपको गेट के ऊपर राइट या लेफ्ट कहीं ना कहीं आपको इस तरह से ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। अच्छा, इस स्क्रीन का फॉर्म बता दूं, देखो ये जैसे ये पूरा रेड रेड है ना, तो मतलब इधर से आ रही है, और ये राजीव चौक पे जो ग्रीन कलर का रुका है ना, ब्लिंक नहीं हो रहा है, मतलब राजीव चौक पे अभी मेट्रो रुकी है। उसके बाद ये जो वैशाली ब्लिंक हो रहा है ना, मतलब ये वैशाली की तरफ जाएगी, ये भी कन्फर्म कर सकते हो। अच्छा, आपको एक डमी दिखाता हूँ, जैसे कि मैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पे आके वैशाली मेट्रो में बैठ गया हूँ, अब देखो क्योंकि वैशाली पे रुकी है, वैशाली से स्टार्ट होती है, तो ये यहाँ पे अभी हरा है,
जहाँ पे रुकी रहती है वहाँ पे हरा ब्लिंक नहीं होता, वहीं पे हरा रहता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ से निकलेगी ना तो ये जो वैशाली है ये रेड कलर हो जाएगा, और ये जो कौसाम्बी है ना ये ग्रीन कलर ब्लिंक करने लगेगा, इसका मतलब अगला स्टेशन कौसाम्बी है। अच्छा, जैसे ही मेट्रो चला ना ये देखो वैशाली रेड हो गया और कौसाम्बी ब्लिंक हो रहा है क्योंकि अगला स्टेशन कौसाम्बी है, और यहाँ ब्लिंक हो रहा है क्योंकि रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है क्योंकि ये जो मेट्रो है ना ये द्वारका सेक्टर की तरफ जा रही है। तो भाई ये रहा पूरा फॉर्मेट, जहाँ जहाँ रेड है ना मतलब रेड कलर है ब्लिंक नहीं हो रहा है तो मतलब वहाँ वहाँ ट्रेन होके आ चुकी है, और अगर ग्रीन ब्लिंक कर रहा है तो अगला स्टेशन वो ग्रीन वाला जहाँ ब्लिंक कर रहा है, और अगर ग्रीन नहीं ब्लिंक कर रहा है तो मतलब ट्रेन अभी रुकी है वहीं मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा है, वहीं पे ग्रीन कलर का जहाँ पे बत्ती जल रही है। उसके बाद जहाँ पे रेड ब्लिंक कर रहा है मतलब ये ट्रेन वहाँ तक जा रही है, ठीक है। अगर वैशाली की तरफ ब्लिंक हो रहा है तो वैशाली को जा रही है, द्वारका सेक्टर 21 की तरफ ब्लिंक हो रहा है तो द्वारका सेक्टर 21 की तरफ जा रही है, और ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है ना तो वहीं से एयरपोर्ट एक्सप्रेस की तरफ आपको मेट्रो मिलेगी, ठीक है। और बाकी ये जो यहाँ से है ना ये देखो इस तरह से है, जैसे ये देखो कश्मीरी गेट की तरफ अगर आपको जाना है तो यहाँ पे मंडी हाउस की तरफ जाना है, या फिर अगर आपको समायपुर बादली की तरफ जाना है या फिर हुडा सिटी सेंटर की तरफ जाना है तो आपको राजीव चौक उतर जाना है, या फिर ब्रिगेडियर होशियार सिंह की तरफ जाना है तो आपको कीर्ति नगर उतर जाना है, या फिर मजलिस पार्क की तरफ जाना है तो आपको यहाँ पे राजौरी गार्डन उतर जाना है, या फिर अगर आपको ढांसा बस स्टैंड की तरफ जाना है तो आपको द्वारका उतर जाना है। तो ये जो पूरा इस तरह से दिखाया है ना एरो, तो ये वहाँ पे आपको इंटरचेंज है, मतलब वहां पे उतर के आपको इधर को जाना है तो यहां पे उतर जाना है, उसके बाद इधर को आपको मेट्रो मिलेगी, वहां से इंटरचेंज करना है आपको, वो भी आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर बाद। अच्छा, कई बार जैसे ही आप अंदर जाओगे ना मेट्रो के तो गेट के ऊपर आप देखोगे तो इस तरह से रहता है, मतलब ये क्या है ना कि इलेक्ट्रॉनिकली अटैच नहीं है, मतलब ये काम नहीं करता है स्क्रीन, ये एक तरह से कागज़ का पेपर ही है, बस लिख के रखा है कि यहाँ से यहाँ तक मेट्रो स्टेशन ये ट्रैक पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको कहीं भी स्क्रीन मतलब गेट के ऊपर इधर उधर नहीं, मेट्रो के अंदर ही जाओगे तो गेट के आसपास या कहीं भी अंदर जाओगे बोगी में कहीं भी आपको इस तरह से यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे मेट्रो के अंदर रहोगे ना तो स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर, या फिर कुछ भी लिखा रहेगा इस तरह का स्क्रीन रहेगा, यमुना बैंक लिख के आ रहा है तो मतलब ये स्टेशन यमुना बैंक है। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन लेना कि अभी अगला स्टेशन कौन सा है तो इसी स्क्रीन को फॉलो करो, यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगला स्टेशन इंद्रप्रस्थ है तो आपको यहीं पे फॉलो करना है इस तरह की स्क्रीन को। तो भाई कहीं ना कहीं आपको मेट्रो के अंदर स्क्रीन लिखा रहेगा, आपको वहाँ पे बताएगा कि अगला स्टेशन कौन सा है, ये वाला स्टेशन कौन सा है, ये पूरा बताएगा किधर को डोर खुलेगा, मतलब जिधर को ट्रेन जा रही है उससे उस डायरेक्शन से किधर को डोर खुलेगा, राइट या लेफ्ट, ये पूरा स्क्रीन पे बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्क्रीन फॉलो करना है मेट्रो के अंदर। अब देखो चूंकि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन आ गया तो यहाँ पे ये लिख के आ गया इंद्रप्रस्थ, अब बाकी कुछ नहीं लिख रहा है। तो इस तरह से आपको इस तरह के स्क्रीन को फॉलो करना है, और कई सारे मेट्रो में इस तरह का स्क्रीन रहता है तो मतलब कोई भी स्क्रीन हो आपको फॉर्मेट सेम फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे यमुना बैंक पे ब्लिंक हो रहा है ना तो मतलब अगला स्टेशन यमुना बैंक है, और अगर आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जाना है तो यमुना बैंक उतर जाना है, और जो भी जिधर भी प्लेटफॉर्म जा रही है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ उस प्लेटफॉर्म पर जाकर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जो भी मेट्रो जा रही है उसको पकड़ लेना है। तो ये एरो करके पूरा बनाया रहता है, तो ये आपको सिंपल वहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ के समझ लेना है। अच्छा गाइस, एक और बात बता दूँ आपको कि जब भी आप इस ऐप का यूज़ करोगे ना, जैसे मान लो मेरे को नोएडा सेक्टर 62 से लेके हुडा सिटी सेंटर जाना है तो इसके बीच में ना आपको यहाँ पे इंटरचेंज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बोटानिकल गार्डन पे इंटरचेंज लिखा है, और नीचे आऊँगा तो यहाँ पे हौज खास पे इंटरचेंज लिखा है। तो इसका मतलब ये है ना, सबसे पहले तो आपको नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन पहुँच के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है, वहाँ पे जो मेट्रो द्वारका की तरफ जाती है ना उसमें बैठ जाना है। उसके बाद आपको बोटानिकल गार्डन या इंटरचेंज लिखा है ना तो इसका मतलब ये है कि आपको बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन आएगा तो वहाँ पे उतर जाना है, और उस मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद आपको एग्जिट नहीं होना है, आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर ही प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना है, वहाँ पे जो मेट्रो आती है वो जनकपुरी वेस्ट की तरफ जाती है उसमें बैठ जाना है। उसमें बैठने के बाद फिर आपको दोबारा से हौज खास पे उतर जाना है, फिर हौज खास पे उतरने के बाद दोबारा से एग्जिट नहीं करना है, आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है, वहाँ पे जो हुडा सिटी सेंटर की तरफ मेट्रो जाती है उसमें बैठ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर उतरना है। अच्छा, मेट्रो के अंदर जब भी जाओगे ना, अगर आप लेडीज हो तो वहाँ पे लिखा रहता है फॉर लेडीज ओनली, वहाँ पे आपको जाके बैठ जाना है, कोई भी उठाने वाला नहीं मिलेगा आपको क्योंकि वो सीट लेडीज के लिए ही होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो मतलब 50-60 साल से ऊपर हो तो इस तरह से आप इधर लिखा रहेगा, इसके नीचे बैठ जाओगे आपको कोई भी हटाएगा नहीं। बाकी अगर आप लड़के हो तो भाई ऐसे जगह बैठना जहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहो, नहीं तो भाई आते रहते हैं। उसके बाद जैसे मेट्रो से नीचे उतरोगे मंडी हाउस या कहीं भी तो आपको कहीं ना कहीं एग्जिट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो गेट नंबर 3 और 4 का एग्जिट इधर है, गेट नंबर 1 और 2 से अगर आपको एग्जिट होना है तो आपको इधर को जाना है, क्योंकि एग्जिट गेट भी बहुत सारा होता है। कई सारे मंडी हाउस हो गया, राजीव चौक हो गया, वो बड़ा मेट्रो स्टेशन है ना, तो वो एग्जिट इधर से जाओ उधर से जाओ इधर से जाओ उधर से जाओ, कई सारा गेट होता है तो आपको कहीं पर्टिकुलर गेट नंबर से एग्जिट होना है, कोई जान पहचान वाला बोल रहा है कि भैया गेट नंबर 2 पे आ जाओ तो यहाँ पे यहीं पढ़ के जाना। जैसे ये है ना 1 और 2 गेट नंबर का एग्जिट इधर है तो आपको ऊपर से इधर जाना है, बाकी आगे जाओगे तो फिर इसी तरह लिखा रहेगा, मतलब गेट नंबर 1 इधर है, गेट नंबर 2 इधर है एग्जिट का। तो ये इस तरह से आपको बोर्ड लिखा रहेगा, पूरा सिंपल पढ़ के आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई।
उसके बाद जैसे एग्जिट करोगे ना तो आपको इस तरह से पूरा ज्यादा रहता है, क्योंकि एग्जिट में बहुत सारा लोग आते हैं ना, पता नहीं किधर किधर से आ रहे हैं, तो इस तरह से रहेगा यहाँ पे। वहीं सेम कार्ड यूज करो तो कार्ड, या फिर टोकन यूज करो, टोकन लगा के गेट खुलेगा, वहीं एग्जिट हो जाना है आपको। अच्छा, जो टोकन यूज कर रहे हैं भाई वो तो वन टाइम होता है, अगर जो कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्ड भाई उसके बाद अगर आपका पैसा खत्म हो जाएगा तो आपको रिचार्ज कराना होता है। तो रिचार्ज कराने के लिए या तो ये जो टिकट वेंडिंग मशीन है ना, यहाँ से आप रिचार्ज करा सकते हो, लेकिन सबसे कन्वीनियंट जो है, सबसे बेनिफिट जो है, वो अमेजन पे से रिचार्ज करो। ये जो जो कार्ड मिलेगा ना पीछे करोगे तो इस तरह से QR कोड रहेगा, इसको क्या करना है, आपको अमेजन पे ऐप खोलना है, वहीं से आपको इसको स्कैन करना है। उसके बाद आपको स्कैन करोगे ना तो इस तरह से, ये देखो जैसे ही स्कैन करूंगा ना तो ये इस तरह से अमेजन पे पेज खुल के आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट योर मेट्रो क्लिक करना है और यहाँ पे दिल्ली मेट्रो चूज करना है। उसके बाद आपको स्मार्ट कार्ड का जो भी कार्ड पे नंबर रहता है ना उसको यहाँ पे टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट डालना है, जो भी आपको अमाउंट रिचार्ज करना है, 200, 500, 1000, 100, 50, जो भी रिचार्ज कराना है यहाँ पे अमाउंट डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ 200। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इस तरह के पेज खुल के आएगा, इसको रिव्यू करना है, स्मार्ट कार्ड नंबर एक बार मिला लेना, क्योंकि भाई ये रिवर्सल नहीं होता है, पता नहीं किसके दूसरे में पैसा चला जाएगा, कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस स्मार्ट कार्ड नंबर रहता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्मार्ट कार्ड लेने के लिए, मेट्रो कार्ड लेने के लिए कोई भी आईडी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको चेक करना है कन्फर्मेशन करने के बाद, यहाँ पे बाई क्लिकिंग प्रोसीड टू पेमेंट बटन इस तरह से यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से पेज खुल के आएगा, अब आपको पेमेंट करना है, जो भी अमेजन पे भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है जो भी है उसको उस तरह से पेमेंट करना है, आपको UPI पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर देना है। अब जैसे ही पेमेंट करोगे आपको इस तरह से, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा ना पेमेंट, इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब चूंकि ये रिचार्ज तो कंफर्म हो गया, उसके बाद आपको बैलेंस जो है ना मेट्रो कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में, उसको अपडेट करने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन पे जाके ATM मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन तो दिया है इस तरह से मेट्रो कार्ड इंसर्ट करना है, फिर सेलेक्ट टॉप अप एक्शन टू अपडेट द बैलेंस, बट आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो भाई देखो ये रहा ATM मशीन, जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन के अंदर जाओगे ना आपको कहीं ना कहीं ATM मशीन देखने को मिल जाएगा, जो कि इस तरह से दिखता है, कहीं कहीं दूसरा फॉर्मेट लगभग सेम ही रहता है, इसी तरह से दिखता है। आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे इसके यहाँ पे कार्ड डालना है, जैसे कि ये मैंने कार्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना कार्ड टॉप अप करें, इस पर टैप करना है, ठीक है, इस पर टैप करना है। उसके बाद ये टैप करोगे ना तो यहाँ पे लिखेगा कि टॉप अप उपलब्ध है, उसके बाद आपको वैध करना है, यहाँ पे इस पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे ना तो यहाँ पे लिखेगा रिचार्ज सफल है धन्यवाद। उसके बाद आपको अपना मेट्रो कार्ड जो भी है ना स्मार्ट कार्ड इसको निकालना है। अब आपके मेट्रो कार्ड के अंदर बैलेंस अपडेट हो गया है, मतलब अगर 50 रुपये था, 200 रिचार्ज कराए थे आपको आपने अमेजन पे से, तो आपके स्मार्ट कार्ड में अब 250 रुपये है। तो इस तरह से आपको अपडेट बैलेंस करना है। तो भाई ये रहा पूरा विवरण दिल्ली मेट्रो में कैसे ट्रेवल करना है। तो भाई कुल मिला जुला के रिकमेंडेड यही है कि आप हमेशा स्मार्ट कार्ड यूज़ करो, मेट्रो कार्ड यूज़ करो, क्योंकि भाई आप स्मार्ट कार्ड के थ्रू ना जो लाइन में लगे रहते हैं टोकन के लिए ना, भाई नॉर्मल डे जाओगे सुबह 8-9 बजे काम के लिए तो अलग बात है, फेस्टिवल के टाइम भाई तो पूरा भसड़ मची रहती है, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आप मेट्रो कार्ड स्मार्ट कार्ड ले लो, उससे ट्रेवल करो, भसड़ से दूर रहोगे, आराम से जाओगे। तो भाई ये रहा पूरा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो भाई जरूर चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।